माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 5। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑटोफिल। ऑटोफिल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप समय तो बचा ही सकते हैं, गलतियों से भी बच सकते हैं। तो क्या होता है ऑटोफिल और कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल, चलिए देखते हैं। मैंने एक्सेल ओपन कर लिया और यहाँ पे हम अपने प्रीवियस जो फाइल सेव कर रखी थी उसी को ओपन कर लेते हैं, जो कि प्रोजेक्ट वन था। इस पे मैंने एक बार क्लिक कर दिया रिसेंट वाले लिस्ट में और वो फाइल हमारे सामने खुल के आ गई। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया था कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एक्सेल में। तो जैसा कि आपने देखा था, यहाँ पे क्वांटिटी और रेट को हमने मल्टीप्लाई किया था अमाउंट वाले घर में, और हर घर में अमाउंट के जितने भी यहाँ सेल हैं सभी में हमने ये काम किया था। अब यहाँ पे अभी आपको 3 दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये 300 या 3000 होते तब हमें हर किसी के सामने अमाउंट कैलकुलेट करने में काफी मुश्किल आती। तो इस मुसीबत से बचने के लिए ऑटोफिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोफिल कैसे काम करता है, चलिए समझाता हूँ। इसे सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ और ऊपर में सिर्फ मैंने एक कैलकुलेशन कर लिया। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ जिससे आप देख सकें कि क्या मैंने किया था। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा किया था कि क्वांटिटी को हमने क्लिक किया था, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया हमने और फिर रेट को क्लिक किया। जब हमने क्वांटिटी पे क्लिक किया तो इसका सेल एड्रेस जो है सी और इधर से टू, वो यहाँ छप गया C2। उसके बाद एस्ट्रिक साइन लगाया हमने, जो कि एक्सेल में मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने रेट पे क्लिक किया तो रेट पे क्लिक करने पे क्या हुआ, इसका सेल एड्रेस अर्थात डी और टू यहाँ पे टाइप हो गया। अब जब हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट निकल के आ जा रहा है। अब यहाँ कॉपी में अगर हम चलें तो कॉपी में भी यही काम करना होगा हमें, मतलब ये क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हम नहीं करेंगे अगर ऑटोफिल का इस्तेमाल करें। तो ऑटोफिल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ऊपर में एक हमने कैलकुलेशन किया है एक सेल पे, उस पे जाएंगे, यहाँ कॉर्नर में अगर नीचे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा ब्लैक स्क्वायर नजर आएगा। जब आप उस पे माउस ले जाएंगे तो वहां पे पतला ब्लैक प्लस का साइन बनेगा, इस पे क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करते हैं। अब क्या होगा, जो भी हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था उसी के रिगार्डिंग नीचे रिलेटिव रेफरेंस लेते हुए कैलकुलेशन को एक्सेल ने कंप्लीट कर दिया। रिलेटिव का मतलब क्या है, तो चलिए समझाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो क्या आया, C2 मल्टीप्लाई D2। चलिए मैं स्केप कर रहा हूँ और फिर बाहर हो गया एडिट मोड से। फिर मैं दूसरे वाले पे डबल क्लिक कर रहा हूं, अब यहां क्या आ गया, C3 मल्टीप्लाई D3। चलिए इसे भी मैं स्किप करके बाहर हो गया। नीचे वाले पे क्लिक करता हूं, D4 और C4 को यहां मल्टीप्लाई किया गया। तो आपने देखा ऊपर में C2 और D2 था, तो इसके बाद C3 D3, तो ये जो अपने आप बदलते चला गया, मतलब जब हम इस पे कैलकुलेट कर रहे थे तो ये इन दोनों को ले रहा था, तो इसके रिगार्डिंग इसने C2 और D2 ले लिया। लेकिन जब हम यहां पे आए तो इसने इसका सेल एड्रेस ले लिया, मतलब C3 का और D3 का। उसी तरह से नीचे जब हम आए तो हो गया C4 और D4। इस तरह से इसने ऊपर के फॉर्मूले को नीचे के रो के अनुसार बदल दिया, और हमें फिर से ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये ऑटोफिल के द्वारा किया जाता है, मतलब ऑटोफिल के द्वारा आप ऊपर में जो कुछ भी रहे उसे नीचे ला सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फॉर्मूला या फंक्शन को ही नीचे फिल कर सकते हैं, दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा स्क्रोल कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा 1 और एंटर कर दिया, और 1 को मैंने क्लिक किया और यहाँ थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिल कलर ले लिया और इसे कर दिया सेंटर, ओके, जिससे आसानी से समझ सके। अब अगर हम इस पे क्लिक करें और ऑटो फिल हैंडलर पे माउस को रखते हुए ड्रैग करेंगे नीचे, तो देखिए क्या होता है, ये मैंने ड्रैग किया और जो ऊपर में लिखा हुआ था वही चीज़ नीचे फिल हो गया, अर्थात डुप्लीकेट हो गया, जो सेल ऊपर में था उसी का नीचे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन, कोई रेफरेंस नहीं लगाया गया। तो अगर सीधा कंटेंट रहेगा तो वो उसे डुप्लीकेट कर देगा नीचे, और डुप्लीकेट करने के साथ ही यहाँ नीचे एक छोटा सा पॉपअप भी आपको मिलेगा। जब आप इस पे माउस से क्लिक करेंगे तो ऑटोफिल ऑप्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा और कुछ ऑप्शंस यहाँ नजर आएंगे, जिनमें है कॉपी सेल जो भी इसने किया है,
दूसरा है फील सीरीज, ये भी काफी कमाल का ऑप्शन है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसने ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरीज को फिल कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जनवरी, जैसे कि मैंने लिखा JAN और मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद वापस उसी सेल पे मैंने क्लिक किया और उसके ऑटोफिल हैंडलर को क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग किया, तो ये देखिए क्या हो गया, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, ये जो है ऑटोमेटिक सीरीज में फिल होता चला गया। तो एक्सेल में बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड सीरीज हैं जिनको आप ऑटोफिल के द्वारा फटाफट तैयार कर सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, मंडे ट्यूजडे वगैरह हो गया, ये सब आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए, तो आपने समझ लिया कॉपी सेल और फिल सीरीज, लेकिन बाकी के क्या चीजें हैं? तो यहाँ पे फिल फॉर्मेटिंग ओनली और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, चलिए इसे समझने के लिए मैं इस डाटा में थोड़ा सा फेर बदल करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन्हें सिलेक्ट करता हूँ और पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में रहते हुए एडिटिंग वाले ग्रुप में जाएंगे, यहाँ क्लियर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें और क्लियर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे फॉर्मेट भी डिलीट हो जाएगा और जो कंटेंट था वो भी डिलीट हो जाएगा। चलिए फिर से मैं लगाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा 1 और इसके बाद एंटर मैंने किया, फिर से वापस इसी सेल पे मैंने क्लिक किया और कोई एक कलर फिल कर लिया, मतलब थोड़ा सा एक फॉर्मेट मैंने इसमें लगा दिया। अब अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके ऐसा ड्रैग करूँ और फिर इसके ऑटो फिल वाले ऑप्शन में जाऊँ और यहाँ से फिल फॉर्मेटिंग वाले लूँ तो क्या होगा, चलिए मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए क्या हुआ, इसने जो ऊपर में कंटेंट था उसे नीचे फिल नहीं किया, लेकिन ऊपर में जो मैंने फॉर्मेट लगा रखा था, फॉर्मेट मतलब इसमें मैंने जो कलर फिल किया था वो बाकी सारे सेल पे फिल हो गया। लेकिन अगर हम इसका फिल विदाउट फॉर्मेटिंग लेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेट को नीचे नहीं लाएगा लेकिन जो कंटेंट था वो फिल हो जाएगा। तो आप इसमें से सारे ऑप्शन समझ गए, कॉपी सेल का मतलब क्या है, फिल सीरीज का मतलब क्या है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली का मतलब क्या है और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। फ्लैश फिल के बारे में आगे मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, ये भी कमाल का ऑप्शन है, कह सकते हैं जादू है, इससे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो सोचना भी मुश्किल होता है एक्सेल में, जब आप देखेंगे तो काफी हद तक समझ जाएंगे कि फ्लैश फिल होता क्या है। फिलहाल हम लोग ऑटो फिल के बारे में बात कर रहे हैं और ऑटो फिल में आपने देखा कि कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेट ओनली और फिल विदाउट फॉर्मेट कैसे काम करता है। साथ ही आपने देखा कि अगर कोई फंक्शन ऊपर में हो और अगर हम उसका ऑटो फिल लेते हैं तो वो रिलेटिव रेफरेंस के द्वारा बाकी नीचे सेल जो है उन्हें भी फिल कर देता है। अब एक और मजेदार चीज मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, सिलेक्ट करके मैं एडिटिंग वाले ग्रुप में जा रहा हूँ और वहां क्लियर ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ जिससे सब कुछ मिट जाए। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ, जैसे कि मैंने लिखा 3, इसके बाद नीचे आया और यहाँ मैंने लिखा 6, ओके। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, दोनों ही सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। दोनों सिलेक्ट करने के बाद इसका जो यहाँ पे फिल हैंडलर है उस पर मैंने क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग किया। अब देखिए क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिक इन दोनों के बीच में समझ लिया कि किस तरह का रिलेशन है 3 और 6 के बीच में, उसी के अनुसार इसने आगे के सेल में भी फिल कर दिया। जैसे इन दोनों में 3 का अंतर था तो 6 से 9 के बीच में फिर से 3 का अंतर है, फिर 9 से 12 के बीच में 3 का अंतर है। चलिए आप ये तो समझ गए, चलिए फिर से मैं इसे मिटाता हूँ और कोई दूसरा सीरीज ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 और नीचे मैं लेता हूँ 3, ओके। अब मैं इन दोनों को ऐसा सिलेक्ट करता हूँ और नीचे फिल करता हूँ। अब क्या होगा, 1 के बाद 3 आया और 3 में अगर 2 हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो मतलब एक्सेल को जब हम लोग कोई एक रेंज दे देते हैं, रेंज कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा मैंने इस तरह से सेल सिलेक्ट किया तो इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो समझ जाता है और उसके अनुसार ही आगे के सेल में ये फिल कर देता है, चाहे आप जो कुछ भी लें। जैसे इसे मैं मिटा देता हूँ और एक और नया चीज आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1, इसके बाद मैंने लिखा A और फिर मैंने लिखा 2। अब अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, ऑटो फिल अगर लेता हूं तो ये देखिए यहाँ पे इसने 1 का आगे ले लिया है, 2 आ गया, 1 के बाद A रहा और यहाँ 3 हो गया, मतलब ये समझ गया कि इन दोनों के बीच में एक का बढ़त है तो इसने उसी तरह से बढ़त लगाया। यहाँ 1 था तो फिर से शुरू हुआ सीरीज, तो यहाँ पे 2 हो गया और जहाँ 2 था वहाँ 3 हो गया और A में किसी तरह का बदलाव नहीं था तो A ही रह गया। तो आप चाहें तो एक सीरीज भी इस तरह से खुद बना सकते हैं और उसका ऑटोफिल ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ऑटोफिल का इस्तेमाल करते हुए एक्सेल में अपने समय को बचा सकते हैं और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं या डाटा को आप चाहें तो फॉर्मेट वगैरह या सीरीज वगैरह तैयार कर सकते हैं। इस क्लास में यहीं तक, आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
बाय, थैंक यू।